अभी एक लोकल ने बताया कि यहाँ पे लीचस है, और लीच ब्लड को सक करता है, और जब उसको उसका पेट भर जाता है तभी वो गिर जाएगा। लेकिन गिरने के बाद जितना ब्लड वो सक किया होता है उतना ब्लड बॉडी से फिर बाहर आएगा, और वो बहुत ही छोटा छोटा है। अभी एक हमने स्पॉट किया, मेरे बहन के जूतों पे लगा हुआ था वो, फॉर्चुनेटली वो उसको लगा नहीं। यहाँ पे आ गया बहता हुआ पानी, यहाँ पे ठंड बहुत है। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ओ भाई, पानी बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, ऐसा लग रहा है फ्रिज के पानी में हाथ रखा है। मुझे शूज डालना चाहिए था लेकिन मैं उसको कार में ही भूल गया। यहाँ पे अभी अंधेरा होता जा रहा है अब, क्योंकि हम फॉरेस्ट के बहुत ही अंदर आ चुके हैं। इतना ऊपर, हम इतना नीचे हैं। ओ भाई, ये देखो, ऐसे लग रहा है स्लो मोशन में गिर रहा है। पानी की छींटे हवा से यहाँ तक मुंह पे उछल रही है। ओ भाई, ये देखो, आप देख भी सकते हैं कैसा पानी उड़ रहा है। रात बहुत हो चुकी है, अभी हम वापस जा रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो रहा है। अगर आप पानी में नहाओ या ना नहाओ, भीगना तो सबको है क्योंकि विंड ब्लास्ट ही इतना है। इस टाइम में फॉरेस्ट में आने का और फॉल्स में एंजॉय करने का, ठंडी ठंडी पानी में, उसका मज़ा ही अलग है। जगह यहाँ पे डर भी रहता है कि एनिमल्स ना आ जाए, स्पेशली टाइगर रिजर्व है ये। अभी यहाँ पे और अंधेरा हो चुका है और डर भी बहुत लग रहा है। टॉर्च लगाते हुए आ रहे हैं हम, कुछ दिख नहीं रहा है। ओ भाई, ये एक कमाल का एडवेंचर है। हम तो सूरा पढ़ते हुए आ रहे हैं। कभी कभी पत्ते हिल रहे हैं तो एकदम से झटका लग रहा है कि टाइगर ना हो। आप देख रहे हो यहाँ पे जमीन ऐसे चमक रहा है। और ये हमारा व्हीकल है, बुलेरो। और ये भी चमक रहा है।